शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से सिया को समझाने की बजाय आप उसे और बिगाड़ते जा रहे हैं। किस तरह से वो दूसरे बच्चों को चोट पहुंचाते जा रही है ये नहीं देख पा रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं भी हमारी बेटी सिया की ही बात कर रही हूँ अभय। कमाल हो तुम श्रद्धा, जब तुम 6 साल तक गायब थी और अब अचानक से सिया तुम्हारी बेटी हो गई। तुम सिर्फ अपनी बच्ची पे ध्यान दो। पानी भी खत्म हो गया। मैं बाहर से पानी लेकर आता हूँ। बेटा सानी, सानी बेटा आंखें खोलो। बेटा क्या हो गया? आंखें खोलो, आंखें खोलो। सानवी बेचारा कुल्फी फलूदा घर पे रो रहा है। कब से तुम्हारा फ्रिज में इंतजार कर रहा था और तुमने आने में इतनी देर लगा दी। अरे चलो चलो, वरना पेट में चूहे हाथी घोड़े सब कूदने लगेंगे। श्रद्धा घर चले। ये लो बेटा। घर छोड़ के वो गई। अरे उसकी वजह से हमारा परिवार टूट गया, लेकिन उस मनहूस सानवी का साथ उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। अरे उसी की तरफदारी कर रही है। अरे संभाल के, क्या हो गया? जिंदगी आराम करने में जीभ क्यों पीछे रहे? जल गई। अरे तो और क्या होगा, उस अपशगुनी लड़की का नाम लोगे तो यही होगा ना। बेटा तुम स्कूल को तो इतना चंदा देते हो, क्यों ना तुम प्रिंसिपल से बात करके उस लड़की को स्कूल से हटवा ही दो। अरे बेटा वो सिया से दूर रहेगी ना तो ही अच्छा है। क्यों, जब मैं नहीं डरता उससे तो सिया को भी डरने की जरूरत नहीं है। पर मम्मी मुझे ना अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो अपना काम करूं या इन सब में उलझा रहूं? अरे पर बेटा वो वापस आ गई है, हमको ध्यान देना होगा वरना कहीं कुछ। सिया, दादी सही कह रही हैं, आपकी मॉम आपसे प्यार नहीं करती। जैसे सानवी आपकी मॉम को लेकर चली गई थी ना, देखना एक दिन आपके पापा को भी लेकर चली जाएगी। मेरे पापा सिर्फ मुझसे प्यार करते, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। सिया, आज मम्मा अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खाना खिलाएगी। बेटा क्या हुआ है, ऐसे घबराते नहीं है? मैं हूं ना आपके साथ। हाँ सब ठीक होगा। चलो सबसे पहले पानी पियो। क्या हुआ है बेटा? पापा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना मम्मा, वो मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने उन्होंने इसलिए आपको डांटा। सॉरी मम्मा। नहीं नहीं मेरा बच्चा, मम्मा और पापा के बीच जो कुछ भी हुआ ना
उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और बेटा वो आपके पापा हैं, अभी थोड़े नाराज जरूर हैं, पर वो अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। पर पापा उन्होंने मुझे झूठा कहा था। बेटा इधर आओ। बेटा पापा को ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है, पर आप फिक्र मत करो, मम्मा है ना आपके पास, वो सब ठीक करेंगी। आप तो मेरे इतने बहादुर बच्चे हो, ऐसे रोते नहीं है। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत ही बोलोगे। गलत है आप। चल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पापा को तो आप पे पूरा भरोसा है, आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती हैं। झूठ बोल रहे ना? नहीं, अरे सिया, 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 अरे सिया दरवाजा खोलो। मेरी परी, अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे ना ही कुछ पूछूंगा और ना ही आपको कुछ बोलूंगा। दरवाजा खोलो। पक्का वाला प्रॉमिस? हाँ बाबा, पक्का वाला प्रॉमिस। अच्छा आप अंदर से ही दरवाजा बंद करके रखेंगे तो फिर मैं इस डॉल के साथ अकेला ही खेल लूंगा। बस बेटा दो कोर और। खाना खाने के बाद फटाफट अपना होमवर्क खत्म कर लेना, क्योंकि फिर हम आज एक नई कहानी पढ़ेंगे। अरे मम्मा, आपको तो किचन में काम होगा ना? आज मोहित अंकल ने मुझे छुट्टी दी है, इसलिए आज पूरा टाइम मैं अपनी गुड़िया के साथ बिताऊंगी। सिया की आज हरकत को देखकर ये समझ आ रहा है कि उसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं रखा है अभय ने। ये गलती फिर से नहीं हो सकती। अभय तुमसे एक बात कहें, बच्चे जब गलती करें और माँ बाप उन्हें सिखाने की जगह उनकी गलती पर पर्दा डाले तो वो एक बहुत बड़ी गलती होती है, जो तुम सिया के साथ कर रहे हो। अब कहना क्या चाहती है बुआ जी? तनुजा भाभी ने हमें बताया कि कैसे सिया ने स्कूल में सानवी को बंद कर दिया था, और हम देख रहे सिया को सिखाने की जगह उसे समझाने की जगह तुम उसकी इस हरकत के बदले उसके लिए इनाम में तोहफे ला कर दे रहे हो, उसे और ज्यादा बिगाड़ने के लिए। आपको तो श्रद्धा ही सही लगेगी ना? इस बात हम सिर्फ तुम्हारी गलत परवरिश की बात कर रहे हैं। अपनी गलती पे श्रद्धा के नाम का पर्दा मत डालो। अभय बुआ जी ठीक कह रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं कि सिया की जिद बढ़ती जा रही है, और तुम्हारी जिद ये है कि तुम अपनी बेटी की गलती देखना ही नहीं चाहते। बस बुआ जी, मैं अपनी बच्ची को संभाल लूंगा, और वैसे भी आप क्या जाने बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। अभय, सॉरी बुआ जी। हम सब संभाल लेंगे, बोला ना, इस बार किट्टी हमारे घर पे पक्का। और नहीं पापा, पापा चुपचाप यहाँ बैठ और पढ़ाई करो, और अब यहाँ से उठोगी नहीं, समझी? वरुण जी, ये क्या तरीका है? ऐसे जोर से पकड़ते हैं क्या? इसका कल टेस्ट है, और ये इधर उधर भाग रही तो पकड़ के बिठाना पड़ेगा ना। और कीर्ति, कियारा के सामने वरुण से तुम ऐसे बात करो, इससे बच्ची को बढ़ावा मिलता है। और कब तक भागेगी वो पढ़ाई से? हम क्यों करें पढ़ाई? चाचू ने भी तो पढ़ाई नहीं की थी, पर फिर भी उनके पास पापा से भी ज्यादा पैसा है। तो ऐसे जहर भर रही हो तुम इसके दिमाग में। कियारा, किसने सिखाया ये सब तुम्हें? हाँ कहाँ से सुनती हो? सिया ने बोला या छोटी दादी ने? आपसे, आप रोज यही तो बोलती हो। कियारा, अभी एक और शब्द नहीं। हाँ जाओ अंदर।
अंदर जाके होमवर्क करो। तुमने हमारी बेटी की परवरिश बहुत खराब की है कीर्ति, अपने से भी बदतर बना रही हो तुम उसे। सानवी को भी क्या समझाऊं मम्मी, वो इस वक्त खुद इतनी ज्यादा डरी हुई है, सो भी नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से सुलाया है उसे। बेटा तो तुमने आगे का क्या सोचा है फिर? सोचना क्या है मम्मी, अब अभय से बात करूंगी इस बारे में, और क्या। चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो मुझे श्रद्धा से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा तुम लोग बातें करो, हम लोग अभी आते हैं। बैठिए ना फिर। नहीं मैं ठीक हूँ। सानवी अपने कमरे में सो रही है, मेरी नजरों पर पहले ही इतना ध्यान दिया होता तो आज इस मोड़ पर नहीं होते हैं। खैर मैंने सिया से बात की थी, उसने कुछ नहीं किया, शायद बच्चों ने मजाक किया होगा। खेल खेल में बच्चे करते हैं, कभी कभी फंस भी जाते हैं और फिर डर के मारे किसी का भी नाम ले लेते हैं। पर अच्छी बात है कि अभी वो शांत और सो रही है। आपके बोलने का तरीका बेशक अलग होगा पर आपका दिल आज भी सानवी की फिक्र करता है। अभय मुझे लगता है कि हमारी बात थोड़ी लंबी चलेगी, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अभी तो वो सो रही है मोहित, तुम्हें अभी आने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कल सुबह आ जाना उसे स्कूल छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है चलो तो फिर मैं अभी रखती हूँ। अभय कहाँ चले गए? अपनी बेटी को गलत मानना मुश्किल होता है पर बात यहाँ पर परवरिश की हो तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हेलो बुआ जी, बुआ जी हम कल मिल सकते हैं क्या? घर में इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि यारा और सिया दोनों इतने बदतमीज हो गए, मुझे ना विश्वास भी नहीं हो रहा है। श्रद्धा बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, अब हमारी पीढ़ी सलीके से रही तो देखो
वरुण, अभय और आरती सही निकल गए। और एक तरफ हमारी कीर्ति, जिसे जुए की नई लत लगी, आसान पैसे की चमक, आए दिन उसकी किटी पार्टियां चलती रहती, बल्कि आज तो एक घर पर ही। काम वाली से मैंने सुना है कि मिसेस शर्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है। सही सुना है, उन्हीं की बहू ने की है इतनी रोक टोक, ताना मारती थी, रोक टोक करती थी, खर्चे के लिए पैसे भी अपनी सास से लेना पड़ता था। अब ऐसे में किसी का भी मानसिक संतुलन हिल जाएगा। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। हम दूसरा नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ। कीर्ति, मैंने कभी इतनी सूखी किट्टी कभी नहीं की। अभी भी नहीं करूंगी, बियर मंगवाई है हमने। थैंक यू। देखो आ गया हमारा इंतजाम। ये कार्ड हटाना। जीती पी रही है तो हम भी पिएंगे। ये क्या कर रहे थे आप? ये बच्चों के पीने की चीज नहीं है। कीर्ति, क्या है ये सब? बस अब यही देखना बाकी रह गया था, बच्चों के सामने ये ऐसी संगत। ये आखिर कैसी संगत में पड़ गई है कीर्ति? और बच्चों का तो इस पर कितना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा होगा। यही बात हम गला फाड़ फाड़ के उसे बताने की कोशिश कर चुके हैं श्रद्धा, लेकिन मजाल है कि हमारी आवाज उस तक पहुंचे, वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। और इन सब के बीच बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। बुआ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत देर हो चुकी है। अभी भी उन्हें अच्छे से सुधारा जा सकता है और ये काम हमें मिलकर करना होगा। इसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वरुण जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन कीर्ति सुनेगी नहीं, किसी की मानेगी नहीं। अगर हम ये सोचकर चुप बैठ गए तो ऐसे में कियारा की परवरिश को तो हम नजरअंदाज कर देंगे। आशंद, जो बात तुम कहना चाह रही हो उसका एहसास मुझे भी, और मैं जानता हूँ कि अब मुझे कुछ करना होगा। कुछ नहीं वरुण, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा बेटा। याद है तुम्हें, पहले वो घर हुआ करता था और अब सिर्फ ऊपर नीचे का मकान बनकर रह गया है। तो शुरुआत करें इन दोनों को एक करके, और ऐसे में इसमें पहला कदम क्या उठाना है वो मैं अच्छे से समझ गई हूं। हम इसकी शुरुआत करेंगे आपके जन्मदिन से, और इसके पहले कदम में हम ताई जी और मम्मी जी को आमने सामने लेकर आएंगे। हाँ, और हम उन्हें उनके पुराने दिन याद दिलाएंगे। हमारी माँ जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बेटी तो जिंदा है। वरुण जी, आप कीर्ति को संभालिए और अभय से मैं जवाब मांगूंगी। कियारा, आप अपने कमरे में जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कीर्ति और उनके फ्रेंड्स के साथ रहेंगे। कियारा, बहस नहीं, कमरे में जाइए। चलिए चलिए। माँ, ये क्या तरीका है ऐसे
क्यों डांटा आपने? आपने किससे पूछकर हमारे मंदिर जैसे घर को ये ऐसा जुआ खाना बना दिया उसका क्या? आज तक हमारे घर में कभी शराब नहीं आई और आप इस तरह ये छोटी बच्ची के सामने पी रही हैं। अगर हमने नहीं देखा होता तो वो भी आज पी जाती। आपको बस मौका चाहिए ना छोटी सी बात को पहाड़ बनाने का। हम अपनी बच्ची पे पूरा ध्यान दे रहे थे और अगर हमें दिखता ना कि कियारा पीने की कोशिश कर रही है तो हम खुद उसे रोकते। कीर्ति कम से कम आप खुद से तो झूठ मत बोलिए। अगर आपका ध्यान होता ना कियारा पे तो आप देखती कि इस माहौल का उस बिचारी बच्ची पे क्या असर पड़ रहा है। इतनी गैर जिम्मेदार माँ कैसे हो सकती है? माँ बेइज्जती कर रही है हमारी दोस्तों के सामने हमारी। और ये आपकी तमीज है कि आप अपने दोस्तों के सामने घर के बड़ों के सामने इस तरह ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। और ये सब भी आपने अपने दोस्तों से ही सीखा है ना? हाँ? अरे इन्हें खुद नहीं पता कि इनके बच्चे इस वक्त किस हालत में हैं। ठीक कहती हो कीर्ति तुम अपनी सास के बारे में। सबके सामने ऐसा बर्ताव करती है तुम्हारे साथ, तुम्हारा पति भी तुम्हें टोकता है। कैसे रह लेती हो तुम इस घर में? आप ना यहाँ पे मेहमान बनकर आए तो मेहमान की तरह ना जबान पर लगाम लगा कर रखिए। इस घर में मेहनत करने वाले इज्जतदार लोग रहते हैं, आप जैसे अय्याश लोगों को ना बर्दाश्त कर लेते हैं। और कीर्ति आपने पूरी दुनिया के सामने अपने ही परिवार का तमाशा बना दिया। अपने पति की बुराई कर रही थी आप? बुराई नहीं, हम अपने दिल की बात बांटते हैं एक दूसरे के साथ। और आपके पुराने ख्याल हैं जो आप अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। कीर्ति तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, ये औरत तुम्हारे पति को भी तुम्हारे खिलाफ भड़काती होगी। बॉस बहुत हो गया, तुम सब अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। ये भी तो हो सकता है सानवी खुद कीचड़ में गिरी और इल्जाम उसने सिया पे लगा दिया। ऐसी परवरिश देंगे आप कि उनके मन में दूसरों के लिए कड़वाहट पैदा हो जाए? अब मुझे तुमसे सीखना होगा परवरिश देना। पापा प्लीज चलो यहाँ से, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। पापा मैं वो इसके मुंह से आज के बाद मैं शब्द ना सुनूं और अपनी इस बच्ची की शक्ल आज के बाद मुझे कभी मत दिखाना। सिया मेरी भी बेटी है और वो अपनी माँ से मिलेगी, ये करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।